सुपेला थाना पुलिस ने लाखों रुपए के चोरी के गहनों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रार्थी के ही दोस्त निकले हैं, जिन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए घटना को अंजाम दिया था। सुपेला थाना पुलिस ने FIR के महज कुछ घंटों के भीतर ही लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरातों को चोरी करने वाले दो आरोपियों सचिन फुले और स्वलिंग फुले को गिरफ्तार कर चोरी गए जेवरातों को बरामद कर लिया है। दीक्षित कॉलोनी कोसा नगर निवासी प्रार्थी की पत्नी तीजा मनाने अपने मायके गई हुई थी। इस दौरान प्रार्थी के घर उसके दोस्तों का आना जाना लगा रहता था। पुलिस ने जांच में आसपास के CCTV कैमरों की भी पड़ताल की, जिसमें दो मित्र संदेह के दायरे में आ गए, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों से पुलिस ने जेवरातों को बरामद कर लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार शर्मा ने दी। ये दिनांक 11 मई 2022 को प्रार्थी आनंद देवांगन के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि इनका जो घर है, निवास है, वहाँ से इनकी पत्नी जब तीजा में गई थी तो कुछ गहने छोड़कर अपने घर में गई थी, अलमारी में, घर की अलमारी में। तो वहाँ से जब वापस आई, तीजा से वापस आई, तो वो गहने नहीं मिले थे। गहने काफ़ी बड़ी संख्या में बताई लेडीज़ ने कि ये रानी हार वगैरह दो थे और मंगलसूत्र, फिर चांदी के बहुत सारे चैन वगैरह, काफ़ी बड़ी मात्रा में गहने बता रही थी। चोरी का जो FIR दर्ज करने के बाद पे पुलिस, चूँकि मामला गंभीर थी, तो पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन पर टीम बनाकर उसमें कार्रवाई करना शुरू किया। पुलिस ने आसपास के कुछ फुटेज उठाए। फुटेज में पुलिस को घर के जो नौकर चाकर और जो कुछ घर के जो मित्र थे आनंद देवांगन प्रार्थी के, जो कुछ मित्र थे, उनके अलावा किसी का नजारा नहीं दिखा। तो पुलिस को स्पष्ट हो गया था कि इन्हीं में से कोई चोर है। फिर पुलिस ने अपने तरीके से उसमें तस्दीक करना शुरू किया। तस्दीक करने के दौरान पे पुलिस को संदेह हुआ कि सचिन फुले और स्वलिंग फुले करके दो प्रार्थी के दोस्त हैं, उन पर पुलिस को संदेह हुआ। तो उनके पीछे हमने मुखबिर लगाए। मुखबिर लगाने के बाद गतिविधियों पर नज़र रखते हुए पुलिस को कुछ पुष्ट खबर मिली। खबर के आधार पर इनको हिरासत में लेने पर, पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। जुर्म स्वीकार करने के उपरांत पे आरोपियों से जो चोरी की 70% मसरूका थी, उसको पुलिस ने तत्काल जब्त कर लिया। और जब्त करने के बाद में 380/34 भादवी में मुकदमा पंजीबद्ध करते हुए उनको माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। बहरहाल आरोपियों की गिरफ्तारी में सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक राजेश सिंह, रजनीकांत दीवान, प्रधान आरक्षक संतोष शर्मा, आरक्षक रवि साव, सुरेंद्र पटेल की उल्लेखनीय भूमिका रही। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।